हेलो एवरीवन, दिस इज मी अजय एंड हियर इज आकाश विद अस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन गाइस। हम कौन से शोरूम में हैं? हम आगरा में ही बालूगंज है वहाँ पे हैं। पहले ये शोरूम हुआ करता था खंदारी में, अभी ये शिफ्ट हो गया है। तो जिनको भी नहीं पता है, जो जावा का शोरूम था पहले खंदारी पे, वो शिफ्ट होकर बालूगंज आ गया। तो आप लोग अभी यहाँ आ जाओ वहाँ पे, अगर आपको नहीं मिलता है जावा की बाइक लेनी है या फिर एसडी लेनी है। एसडी का आपको स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और जो नई बाइक जो एडवेंचर है, वो तीनों वेरिएंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप जावा की सारी बाइकें देख सकते हो और शोरूम का सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी डिटेल आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूंगा जिसके थ्रू आप क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हो बाइक्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पर जो क्या करने आए हैं बता देते हैं हम आपको। हम आए हैं एक बाइक की टेस्ट राइड लेने के लिए और उसका रिव्यू आपको देखने को मिलने वाला है वीडियो में आगे। हम प्लान कर रहे हैं एक ऑफ रोडर बाइक, प्रॉपर ऑफ रोडर मशीन लेने की। तो अगर बाइक हमें पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो फिर हम उसी को ऑप्ट करेंगे। कॉल्स बहुत आते हैं मेरे को, कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, क्या इतने कॉल्स क्यों आ रहे थे? कुछ नहीं है, छोटे वाले भाई का कॉल था, वो एक पार्सल आया, उसको रिसीव करना है। छोटे वाले भाई का था या किसी और? छोटे वाले छोटी वाली का था, छोटे वाले भाई। कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, लोग समझ लो यार, ये लड़का थोड़ा बिगड़ गया है। अभी तो इसकी खबर कुछ नहीं, अभी तो बस ये बाइक के बारे में सोच रहे हैं, अगर पसंद आई तो ये नहीं लेंगे। अभी हाल ही में इसके 3 कॉल आ चुके हैं, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे हो? आप समझ ही चुके होंगे। अभी मैं इससे अकेले में बात करूँ, बाद में क्या है। चलो अभी दिखाते हैं आपको इसका पूरा कंसोल कैसा है और करते हैं फोन। आपको दो तरीके के सर्कल में आपको ये TFT स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको जो साइड में मिलेगा एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है, इसमें ये टर्न बाई टर्न नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आप जब इसको मोबाइल से अपने से कनेक्ट करोगे तो ये क्या होगा, आपके मोबाइल से जो गूगल मैप आप जब यूज़ करोगे तो आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन में ये हेल्प करेगा। दूसरी साइड आपको मिलता है टैकोमीटर, जब पोजीशन इंडिकेटर यहाँ मिलेगा, ये फ्यूल का वॉच है, यहाँ पर फ्यूल आपको दिखाएगा कितना फ्यूल है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें चेंज करने के लिए। अभी आप ओडो देख सकते हैं, ओडो इसका जो आ रहा है 6.3 किलोमीटर भी ये बाइक चली हुई, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है। और इसको चेंज करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है, इसमें जो ये एम का बटन है मेन्यू, आपको इसको प्रेस करना है, वहाँ आगे सारी डिटेल उस हिसाब से चेंज होती रहेगी। अभी आ गया ट्रिप ए, नेक्स्ट दोबारा इसको करते हैं तो ये आ जाएगा ट्रिप बी पे। अभी आ गई ट्रिप बी, और ट्रिप को भी रीसेट करने का भी मैं बता दूंगा। अभी क्या है, अभी सारा 0-0 पे है, जब हम इसको चलाएंगे उसके बाद ट्रिप को रीसेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ट्रिप को रीसेट करने के लिए बेसिकली ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आपको सिर्फ एस को इसको सेट करके ट्रिप ए या ट्रिप बी पे आपको एस को होल्ड करके रखना होता है फॉर 10 सेकेंड लगभग। तो जैसे आप इसको करोगे तो ये 0 सेट हो जाएगा। ऊपर में आपको फ्यूल का भी इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज अभी बाइक में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है। आपको साथ ही मिल जाता है आपको बैटरी का इंडिकेशन एंड ABS का जो लाइट है वो मिल जाएगा एंड न्यूट्रल। देन उसके बाद आपको इसका जो हाई बीम का सिग्नल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उसके बाद इंडिकेटर्स हैं एंड ये मिलता है आपको इंजन टेम्परेचर सेंसर। उसके बाद लास्ट में आपको मिलता है फ्यूल इंडिकेशन, आपको ऑयल इंडिकेशन। अगर आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम हो जाता है देन ये आपको इंडिकेट कर देगा। विंड स्क्रीन के बारे में बात करूँ, काफ़ी डिसेंट साइज़ की विंड स्क्रीन आपको दी है और काफ़ी अच्छा विंड ब्लास्ट कट करती है ये। और ये बाइक जो आती है राइडिंग मोड्स के साथ आपको देखने को मिलती है, इसमें 3 राइडिंग मोड्स हैं। 11 kg जो वेट है ये लाइटर है हिमालयन से, हिमालयन का जो वेट है वो 199 kg और इसका 188 kg है। और इसमें उसके कंपेरिजन में पावर भी ज़्यादा है, तो पावर गियर वगैरह मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूँगा। और वैसे तो इसकी जो पावर है, इस इंजन से जो जनरेट होती है पावर, वो है 29.7 BHP एंड ये जो इंजन डिलीवर करता है 29.9 NM ऑफ टॉर्क। बाकी इंजन के बारे में बात करें तो इंजन काफ़ी रिफाइंड है और 334 cc का इंजन इसके साथ है, 6 स्पीड गेयरबॉक्स। तो आपको ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देने वाली है जब आप इसको क्रूज़ करोगे हाईवे पे। दूसरा, इंजन ऑलरेडी इतना रिफाइंड है इस बाइक का, तो काफ़ी कंफर्टेबल है ये बाइक चलने में भी, क्योंकि आप इसको लंबा चला सकते हो बिकॉज ये लिक्विड कूल्ड इंजन है। हिमालयन का जो इंजन है वो एयर कूल्ड इंजन है, तो वो हीट होने की वजह से कभी कभी इंजन क्या है पावर कट करता है, लेकिन इसमें ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। आगे आपको फ्रंट में पूरा LED हेडलाइट मिलने वाला है, DRS एंड हिमालयन में आपको देखने को मिलता है कि सारी चीज़ें हेलोजन मिलती है।
यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा LED है, टेल लाइट से लेके इंडिकेटर्स लाइट सब कुछ आपको तो मिलने वाला है पूरा LED में। सस्पेंशन की बात करें तो आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलता है एंड मोनोशॉक आपको रेयर में मिलता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके जो मोड्स वगैरह, आप राइडिंग मोड्स वगैरह आप कैसे चेंज कर सकते हो, वो थोड़ी सी डिटेल अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड जो हैंडल है उस साइड आपको देखने को मिलेगा, ये जो सेटअप बटन्स है कुछ, तो ये मैनुअल, ये इसका जो बोलते हैं इसको मेन्यू बोल सकते हैं, मैनुअल बोल सकते हैं, वो चीज़ है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। और इसके बाद ये सेटिंग्स की बटन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका राइडिंग मोड चेंज करके बता देता हूँ कैसे आपको राइडिंग मोड चेंज करना है इसका। तो राइड मोड चेंज करने का अभी आप देखिए बाइक आपको देखेगी रोड मोड पर है अभी। इसका जो राइडिंग मोड है वो आप कैसे चेंज करोगे, ये जो डाउन वाला बटन है आपको सिर्फ इसको होल्ड करके रखना है फॉर 4 to 5 सेकंड। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको दबा के रखा हुआ है और ये देखिए रेन मोड में ये चेंज हो गया है। ये कैसे, 3 बार ब्लिंक करेगा और देन उसके बाद ये सेट हो जाएगा। सबसे पहला मोड है इसका रोड, देन दूसरा है रेन एंड तीसरा है ऑफ रोड। जब आप इसको स्विच कर देते हो ऑफ रोड पे तो इसका जो रेयर ABS है वो ऑफ हो जाता है, फ्रंट का ABS काम करता है। और जब रेन मोड में आप इसे स्विच करेंगे तो इसका जो ABS है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। इसके अंदर राइडिंग मोड्स जो दिए हुए हैं वो बेसिकली ABS के साथ इसमें चेंजेस हैं। इसकी डिस्प्ले की आपको और सेटिंग बता देता हूँ, आप इसकी ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए क्या करना है, अभी आप देख सकते हो यहाँ B का निशान आ रहा है, B and 100, ये अभी 100% पे इसकी ब्राइटनेस है स्क्रीन की। तो आपको इसको कम करने के लिए क्या करना है, जैसे एक बार इसको S को आप प्रेस करना है, आप S प्रेस करेंगे ये 25 इसका जो सबसे लोएस्ट है सेटिंग वो सेटिंग हो गया। आप इसको एक बार फिर से प्रेस करते हैं S को तो ये पहुंच जाएगा 50 पे, देन नेक्स्ट प्रेस करेंगे 70 एंड दोबारा प्रेस करेंगे 100। तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स हैं, बाकी बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा इसे देख के। लेते हैं टेस्ट राइड। जो हैंडल बार पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट आपको देखने को मिलेगी और ऑन कर दिया हमने की को। एक चीज़ बताता हूँ, ये बाइक डायरेक्टली सेल पर अगर आप दोगे ना तो स्टार्ट नहीं होगी, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, क्लच दबाना होता है, थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं। बाइक अलग ही लग रहा है, ADV का जो फील आता है ना बाइक पे, ADV का जो फील है वो अलग ही है भाई। एक्सीलरेशन देखो भाई बाइक का, कमाल है। और काफ़ी अपराइट हैंडल है, बहुत ज़्यादा अपराइट है यार। मैं 220 चलाता, 220 के चलाने के बाद ना ये इसका जो वो है काफ़ी अपराइट फील हो रहा है मुझे। 220 का थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है, हेलमेट का वाइजर कर लेता हूँ बंद। हॉर्न काफ़ी अच्छा है, सिंगल हॉर्न लगा हुआ है इसके अंदर, पर ठीक है। चलने में ना भाई क्या मशीन है यार, एक्सीलेटर के साथ भागती है ये। अभी फर्स्ट गियर पे हम, थोड़ा भागे देखते हैं भाई, 60-50 ऐसे जा रही है इस वाले रोड पे, थोड़ा सा भगा के देखेंगे मॉल रोड पे। कमाल है भाई, क्या मशीन बनाई है जवा ने। अभी आप देख रहे हो 70-78 क्रूज कर रहे हैं हम, 73, और फिफ्थ गियर पे है बाइक, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना वाइब्रेशन के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। कॉर्नरिंग करने में भी कंफर्टेबल है। और अगर सीट हाइट की बात करूँ ना मैं इस बाइक की, तो ये है 815 mm, मतलब 815 mm की इसकी सीट हाइट है और काफ़ी डिसेंट हाइट है इसको ना। 5'10" मेरी हाइट है, मैं बहुत अच्छे से, मेरे पैर आसानी से ज़मीन पे पहुंच रहे हैं। और जो इसमें जो 5'5" 5'6" का जो राइडर है वो थोड़ा सा उसको चैलेंजिंग होगा इसको चलाना। इनिशियली पिकअप बहुत अच्छा है बाइक का, मतलब दूसरे गियर में हूँ मैं, अब देखता हूँ कि अपने आप चलती है कि नहीं चलती। देखो दूसरे गियर में ही ना मैंने अभी छोड़ा हुआ था एक्सीलेटर बिल्कुल, उसके बाद मैंने उठा के देखी बाइक तो सही है। सस्पेंशन की बात करूँ ना, सस्पेंशन काफ़ी थोड़ा सा स्टिफर साइड लग रहा है मेरे को पीछे वाला,
आगे वाला बहुत सही काम कर रहा है। ब्रेक्स के बारे में बात करें, अगर ब्रेक्स तो देखते हैं अभी, बहुत अच्छे ब्रेक, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बट एक चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो गियर शिफ्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू द हिमालयन। हिमालयन में क्या है ना, काफ़ी टॉर्क की इंजन है, बहुत कम RPM पे पावर डिलीवर करता है वो इंजन। तो इसमें क्या है ना, मेरे को गियर शिफ्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ रहा है। पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी में, ज़बरदस्त मशीन है, एकदम कमाल का फील है, और चलने में भी एकदम कमाल है। गजब भाई साहब, ये तो फुल्ली एडवेंचर बाइक है और इसमें फील भी आ रहा है एडवेंचर का। आप इस पर सैडलिंग बड़े आराम से कर सकते हो ऑफ रोडिंग में, क्योंकि तो हैंडल वार है जो काफ़ी ऊंचा है। पिकअप वगैरह तो आप गजब चल रही है भाई, ये तो भाई लेनी ही पड़ेगी। वैसे भी हम लोग लद्दाख प्लान कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे ही लेके जाए। गजब भाग रही है भाई, ये तो गजब कमाल ही कर रही है भाई गाड़ी। रेड सिग्नल हो गया है भैया, जो सिटिंग पोस्चर काफी अच्छा है,
और काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। आप इसे कितना भी लंबा चला लो, इस पर थकने वाले नहीं हो आप। काफ़ी अच्छी बाइक है और पिकअप वगैरह तो है ही काफ़ी अच्छा इसका। बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। कुछ चीज़ों में मुझे ज़रूरत लगी कि SD को थोड़ा सा काम करना चाहिए था। पर्सनली अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो मेरे को इसके बाइक में क्या चीज़ पसंद नहीं आई, बाकी सब कुछ ठीक है, ओके पूरी बाइक में, बट एक जो चीज़ है इंडिकेटर का साइज़, ये मतलब इंडिकेटर का साइज़ और डिज़ाइन था, इसको मॉडिफाई कर सकते थे, थोड़ा दूसरे डिज़ाइन में इसको बना सकते थे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, बट जो भी है, जो है सो वही यही है। और टायर की अगर हम बात करें तो C8 का XL ग्रिप का आपको इसमें टायर मिलता है, तो जो कि अच्छी आपको ग्रिप रोड पे प्रोवाइड कर देता है। और इस बाइक की अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें आगरा में, तो ये 247,552 रुपये की आपको ऑन रोड प्राइस में आप आगरा में ये बाइक मिलेगी, तो काफ़ी डिसेंट प्राइस है। अगर रॉयल इनफील्ड हिमालयन से कंपेयर करें तो आपको ये 5,000 से 6,000 रुपये उससे सस्ती ही मिलेगी ये वाली बाइक आगरा में तो। और काफ़ी अच्छी डील मिल रही है, बहुत अच्छी बाइक है, इंप्रेसिव, और रॉयल इनफील्ड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लुक देती है, चलने में भी कमाल है। और भाई बाइक को चलाने के बाद लगता है कि आप ADV चला रहे हो, एक प्रॉपर एडवेंचर मशीन आप चला रहे हो, कमाल का एक्सपीरियंस था इसको चलाने के बाद। बहुत ही अल्टीमेट बाइक SD ने बनाई है। तो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो ब्लॉग, तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और हम बहुत जल्दी इस वाली बाइक का दूसरी रॉयल इनफील्ड की जो बाइक है हिमालयन, उसके साथ कंपैरिजन भी लेके आने वाले हैं। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अदरवाइज फिर वीडियो नहीं आएगा। और अपना ये है कि बाइक तो मैं फुली पसंद आ गई है, बाकी हम घर जाके डिस्कस करते हैं कब लेनी है, क्या करना है, थोड़ा सा घर पे बैठ के डिसाइड करेंगे और प्लान करते हैं कि इसको कब डिलीवरी लेनी है, कब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए, बस फिर तो आगे कमाल करते जाएंगे हम लोग। तो ये है हमारे प्रशांत भाई, आपको शोरूम में मिलेंगे, तो ये आपको पूरा फाइनेंस स्कीम वगैरह समझा देंगे, अगर आपको फाइनेंस में बाइक चाहिए, और फिर आप पूरा कैश में लेंगे तो फिर तो बात ही अलग है। तो ठीक है, चलो चलते हैं, यहीं पर करते हैं रैप अप वीडियो को। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड कीप वॉचिंग राइडर्स एंड ब्रदर्स। बाय गाइज़।